और गुरु लोग क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस लेजर पॉइंटर को जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है जिसे बलून पे दिखाता ही वो फट गया, माचिस में आग लग गई। बट क्या इससे ये बॉम्ब जल सकता है, आगे हम लोग इसे देखने वाले हैं। इवन एक नॉर्मल लेजर लाइट से भी कंपेयर करके देखेंगे इसकी लेजर बीम कितनी दूर तक जाती है। एंड आप में से किसी एक को ये लेजर लाइट बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, जिसके लिए देखते रहो इस वीडियो को एंड तक। मैंने पहले भी एक लेजर लाइट पे वीडियो बनाया है जो कि पावरफुल तो था ही बट इसके जैसा नहीं, जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो। वैसे आपसे कुछ बातें कहनी थी, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर लाइट है जो कि मार्केट में मिलने वाली नॉर्मल लेजर पॉइंटर से बहुत ही ज्यादा ब्राइट है इसकी लेजर बीम, तो इसे किसी की आंखों पे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं करना। यह है इसकी बॉक्स जिसे मैंने 500 रुपए में खरीदा था। एक्यूरेट प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। साइज में काफी बड़ा है एक नॉर्मल लेजर पॉइंटर से। आप इसे Amazon से या फिर Flipkart से बाई कर सकते हो ऑनलाइन, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन लोगों को ये फ्री में चाहिए वो आज के इस गिवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ तो नहीं करना है। इस वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट, हो सके तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जैसे इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं विनर अनाउंस कर दूंगा। तो चलो आप फटाफट कर लेते हैं इसको अनबॉक्स एंड ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करते ही लेजर लाइट, इसकी बैटरी, चार्जर और एक की मिल जाता है। तो फटाफट इसे असेंबल कर लेते हैं। ब्लैक एंड गोल्डन कलर में आता है। सामने की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी लेजर हेड है जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है, जिससे काफी सारे लेजर बीम निकलते हैं जो कि देखने में बहुत ही कूल लगता है। लेजर पॉइंटर पे वार्निंग की स्टिकर लगी है, तो आप इसे अपने आंखों पे तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। एंड सेकेंड थिंग, बच्चों से दूर रखना क्योंकि इसकी लेजर बीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है जिसे डिस्चार्ज होने के बाद आप इसे चार्ज कर सकते हो। और ये एक सेफ्टी की है जिससे कि आप लेजर पॉइंटर को लॉक कर सकते हो। लॉक हो जाने के बाद बटन प्रेस करने पे ये जलता नहीं है। इसके साथ अटैच्ड कैप भी आता है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा कूल लगा। इसे घुमाने पे पैटर्न चेंज भी होते हैं जिसे कि आप रात में अपने रूम में जला सकते हो और भी काफी सारे अतरंगी कारनामे कर सकते हो इससे। और अगर आप इसे हेड को निकाल दो तो एक सिंगल लेजर बीम निकलती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है। कंपैरिजन के लिए मैंने लोकल मार्केट से 50 से 60 रुपए में एक लेजर लाइट खरीदा जिसके साथ चार कैप मिल जाती है सुपर हीरोज कैरेक्टर के। वैसे बचपन में हम सभी ने तो कभी ना कभी इस लेजर लाइट को खरीदने के बारे में सोचा ही है। कुछ लोगों ने इसे खरीदा जिनके पास पैसे होते थे और कुछ मेरे जैसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे इसे खरीदने के लिए। तो फाइनली मैंने इसे खरीद लिया है। साइज में ही देख सकते हो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इवन इसकी लेजर बीम में भी काफी फर्क है। हालांकि मुझे ये छोटे वाले की जो फोर कैप मिलती हैं जिनमें सुपर हीरोज के लेजर बीम निकलते हैं वो बहुत ही अनोखा लगा, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और बैटमैन सभी सुपर हीरोज मिल जाते हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। आपके इनमें से कौन है मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो एक बार दोनों की रेंज को हम लोग चेक कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि इनकी लेजर बीम कहाँ तक जाती है। तो रात हो चुकी है और ये रहे हमारे दोनों लेजर लाइट। 5 मीटर पे तो दोनों बहुत इजीली दिख जाते हैं। हम लोग इसे 50 मीटर पे देखते हैं, यहाँ पे भी दोनों बहुत इजीली दिख जा रहे हैं। 100 मीटर पे दोनों भी काफी आराम से दिख रहे हैं। इवन मैंने 500 मीटर पे भी देखा तो भी दिख रहे थे। बस फर्क इतना था इसकी लेजर लाइट बहुत ही ज्यादा ब्राइट है जो कि एक्सट्रीम लेवल की है एंड काफी दूर तक जाती है, जिसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो। चलो हम लोग इससे माचिस को जला के देख लेते हैं। बट उससे पहले आप इस लेजर लाइट के हेड को ऊपर कर देना क्योंकि बिना इसे ओपन किए ये वर्क नहीं करेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। क्या इससे माचिस जल सकती है? जी हाँ, जल जाती है और वो भी बहुत ही आराम से। बलून भी बहुत इजीली फट जाता है। सिर्फ इस ग्रीन वाले को छोड़ के, जिससे कि मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश किया बट नहीं फटा, तो इस ग्रीन बलून के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बारी है इस बॉम्ब की। इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ क्या यह बॉम्ब जलेगा या फिर नहीं। अगर कमेंट कर दिया हो तो चलो देखते हैं आप सही हो या फिर नहीं। तो जैसे ही आपने देखा बॉम्ब भी जल गया। तो ओवरऑल ये लेजर पॉइंटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिससे कि बलून तक जल गए, माचिस तक जल गई। वैसे आप बताओ क्या इससे पेपर जल सकता है या फिर नहीं, कमेंट कर देना।
तो बस यहीं तक था आज का ये सफर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।